अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल आप लोगों का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक और हैरियत से होंगे यार। तो यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं माशाल्लाह से हमारी वीडियोस पर, लेकिन सब्सक्राइबर यार कम है। मतलब लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते यार। आपसे रिक्वेस्ट है यार, मैं सपोर्ट भी दिखाया करें अपना। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, तो चलते हैं अपने बर्ड्स के पास। आपको आवाज़ें तो आ रही होंगी यार, बजिस की कितने खुश है माशाल्लाह। देखें आज आज मैंने मेथी डाली सुबह, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो चलो चलते हैं अपने केजिस की तरफ। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने होटल के पास आ चुके हैं, तो अभी हम चलते हैं अपने मास्टर केज की तरफ, जो हमारी बड़ी कॉलोनी है बजिस की। तो तब तक आप ये थोड़ा सा शौक इसका भी करें। ये देखिए हमें समझ से बाहर है यार ये बात, अगर आपको पता था प्लीज़ मुझसे शेयर करें। पहले जब मैं पेड़ ले गया था, हफ्ता 10 दिन ही से गुजरे, क्रॉस का आ रहा था। फीमेल उसको मारती है, देखे ना पास जाता है मेल क्रॉस करने के लिए, उससे प्यार करता है तो ये उसको मारती है। क्या शो कुछ पता नहीं लग रहा, हालांकि ये ब्रीडर पेड़ है, इसने पहले चिक्स भी निकाले हुए हैं, पता नहीं क्या शो आ रहा है इनका। तो अगर किसी भाई का पता है यार तो कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है क्या शो है। बाकी आप देख ले पेड़ का साइज चेक करें मेल का, माशाल्लाह अच्छा है, और फीमेल भी पल किया प्यारी फीमेल। तो बाकी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, तो मास्टर केज की तरफ चलते हैं, तो लेट्स गो। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने मास्टर केज के अंदर, मतलब अपनी जो कॉलोनी है बड़ी बजिस के, उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। तो आज आपसे यार कुछ और दूसरी बातें करनी है। आपने कहा ना क्या यार ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा के बोर करता रहता है, तो आज हम कुछ नई बात करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बताऊँगा आपने बजिस कैसे परचेज करना मार्केट से, किस तरह का परचेज करना, आपको हाथ में पकड़ के पीस दिखाऊँगा, ठीक है। और आपको बताऊंगा ब्रीडर पेयर कौन सा आता है, हर पट्टे कौन से होते हैं, इसके अंदर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो यार आपको कोई ना पहले सबसे पहले ना पट्टे पकड़ के दिखाते हैं, ठीक है। आपको बताऊंगा पट्टों की पहचान क्या है और ब्रीडर की पहचान क्या, जो सही प्योर तैयार होते हैं अंडे बच्चे के लिए, क्योंकि अक्सर मार्केट में लोग धोखा करते हैं यार, आपको पट्टे दे देते हैं और आप घर में रखते हो कोई 4 महीने 3 महीने, अंडे बच्चे नहीं देते, फिर आप दिल आपका जो होता है ना मतलब कि ख़राब हो जाता है, फिर आप शौक छोड़ देते हो। तो आपको चलो आप बताते हैं यार, तो आज का व्लॉग करते हैं ये स्टार्ट, तो लेट्स गो। पट्टा पकड़ा है देखें माशाल्लाह से, घर का ही है, क्रस्ट का है देखें माशाल्लाह से, साइज चेक करें इसका कितना प्यारा, ठीक है इसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी आइज है ना, जो इसकी आइज के अंदर अगर रिंग होगा ना, वो समझे कि प्योर जो है ना ब्रीडर पेयर होगा, ब्रीडर मेल या फीमेल, ये पट्टा है। और इसकी आप देखिए आँख के अंदर कोई रिंग नहीं है, वाइट कलर का होता रिंग, ठीक है। और ये मेरे लिहाज से ये पट्टा है मतलब, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह घर का साइज चेक करें कितना प्यार है, ठीक है। तो अब आपको ना ब्रीडर पेयर के बताता है, ब्रीडर पेयर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हेलो सन भाई, थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकिएगा। तो फाइनली गाइस ये मैंने घर की, जब घर की नहीं यार किसी भाई से ली थी, पाइड की फीमेल है, कितनी प्यारी है माशाल्लाह से, देखिए आप कलर वगैरह चेक करें आप, शौक करें, ठीक है कितनी प्यारी है, साइज चेक करें आप इसका, चक्की का आटी है। तो चलो आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले देखिए ना एग्स पे आई हुई है, ठीक है। आपने बाइक से इस तरह का कोई पेयर नहीं लेना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यार उनकी वेंट पीछे से फूली होती है, वो ब्रीड के काबिल नहीं होती, वो ऊपर चर्बी लग जाती है मादी के, तो वो अक्सर ना ब्रीडर करके वो बेच देते हैं। ये अपना एग्स पे आई हुई है, देखें इसकी वेंट फूली हुई है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिंग चेक करें आप, ये देखिए इसकी आँख पर रिंग नज़र आ रहा है, ये जिसकी आँख में रिंग होगा ना वाइट कलर का, वो समझिए कि आप फुल ब्रीडर फीमेल है, ठीक हो गया जी। ये देखें फिर आपने पंजे चेक करने हैं इसके, ये देखें पंजे माशाल्लाह सही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी फीमेल है यार। आप चेक करें साइज चेक करें इसका, और इसकी हेल्थ बहुत हैवी है। तो मैं इसको छोड़ता हूँ, इसकी मटकी के अंदर ही देखें दे लीजिएगी, ये इसके अंदर एग्स देती है। तो आपसे एक बात करता हूँ यार, कि आपने जब भी फीमेल लेनी है ना, तो आपने देखना उसके चेस्ट के ऊपर कोई चर्बी ना लगी और उसका वेंट वाला हिस्सा ना फूला हुआ, वो जो फीमेल होगी ना वो एग्स नहीं ले करेगी, अगर एग्स ले भी कर देगी तो फर्टाइल नहीं होंगे भाई, सीधी बात मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ऐसी जो मादियाँ होती हैं वो डिफेक्टेड होती हैं, उनको चर्बी लग जाती है। चर्बी क्यों लगती है, चर्बी इस वजह से लगती है कि कॉलोनी में जो बर्ड्स हैं, जो कॉलोनी नहीं, कॉलोनी में तो यार बहुत कम ना होने के बराबर चर्बी लगते हैं, उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तो चर्बी वाला सीन ही नहीं है कॉलोनी में। चर्बी लगती है फीमेल को, चर्बी लगती है फीमेल को सिर्फ और सिर्फ छोटे केजिस में, वो एक जगह बैठे रहते हैं बेचारे, और वो बैठ बैठ के जैसे बंदा नहीं ज़्यादा फूल जाता, वही हिसाब इनका हो जाता है, ठीक है।
तो आपको आपको बताने का मकसद ये है कि मैं आपको आज तरीका बता रहा हूँ कि हमने किस तरह का बर्ड्स हमने मार्केट से परचेज करना है, ठीक। तो इंशाल्लाह जब मेरे पेपर होंगे ना यार, आपको ना इंशाल्लाह मैं ना टाउनशिप मार्केट जाऊँगा मैं भाई के साथ, ठीक है। तो आपको पूरा विजिट कराऊंगा, एक चीज़ का रेट भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से मेल पकड़ते हैं, अभी प्यारा सा हेल्दी और एक्टिव, ठीक है। तो आपके दिखाते हैं मेल भी। तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्लॉग रोके हसन भाई जरा। तो फाइनली गाइज, आपके भाई ने आपके लिए क्या चीज़ पकड़ी है यार, चेक करो यार, TCB चेक करो, माशाल्लाह। हेल्थ चेक करो, उसका कलर चेक करो, उसका साइज चेक करो, क्या ब्लॉप चीज है यार। चक्की काट गया, ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। ये देखिए सबसे पहले इसकी वाइट नोज है, ठीक है, और इसका रिंग चेक करें, कितना क्लियर रिंग नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके पंजे चेक करें, ठीक हो गए। ये होता है ब्रीडर मेल, ठीक है। आपने अच्छी तरह चेक करके लेना यार, देखो आपको मैं अभी सिंपल से पकड़ के दिखाता हूँ, लेकिन ना मुझे सबसे प्यारा यही लगता था, मैंने इसका पकड़ा, कितना ज़ोर से काट रहा है जालिम पीछे। तो आपको बताने का मकसद ये है यार, ये देखिए इस तरह की चीज़ आपने लेनी है, क्वालिटी वाली चीज़ें। ये देखो कितना प्यारा मेल है माशाल्लाह, इसका साइज बहुत प्यारा, मैं छोड़ूँ उधर देखो आराम, ठीक हो गया, कितना हैवी और एक्टिव है। हेल्थ चेक करें इसकी। चलो मैं आपको ना एक और मेल पकड़ के दिखाता हूँ जो सिंपल है, इसका तो चलो आपको पता लगेगा, ये तो मैंने इसलिए पकड़ा था, मुझे पसंद है। अब आपको सिंपल की बजरी पकड़ के दिखाता हूँ। फाइनली गाइस, एक ब्रीडर फीमेल हाथ में आ गई, मैं आपको ये भी बता दूँ, इस तरह का मनोज क्या तुम्हें, देखिए इसका नोज वाइट है। ओए ओए, बड़ी जालिम है ये, बड़ा काट रही है, ठीक हो गया। ये घर की पट्टी है, ये देखिए इसका रिंग वगैरह नहीं आया, अभी देख रहे हैं आप, ये घर की पट्टी है। चल यार उड़ गया, बहुत जालिम पट्टी है भाई, इसने देखो क्या हाल किया आपके भाई का, आपका ये देखिए, दर्द हो। तो अभी मैं आपको ना कि मेल अच्छा था पकड़ के दिखाऊँ। तो फाइनली गाइस, आपके लिए बड़ी मुश्किल से पकड़ा, आपको नहीं पता सुनिए कितना तंग किया यार। ये देखिए इसका रिंग चेक कर, ये होगा फुल ब्रीडर मेल, ठीक है। कलर आपको मैं दिखाता हूँ इसका, माशाल्लाह कितना प्यारा, ये देखिए, ओह हो, ये देखिए इसका रिंग, मैं आपको रिंग दिखाता हूँ, इसका साइज चेक करिए आप, ठीक है। उसका रिंग नज़र आ रहा आपको। और अब आपको जो दूसरी चीज़ें मैं बताता हूँ, आपने जब पेड़ चेक करना ना, उसका नाक से पानी ना निकल रहा हो, अगर नाक से पानी निकल रहा है तो समझिए उसको नज़ला या बुखार है, ठीक है। फिर उसका हमने पर चेक करना है, कहीं से टूटे तो नहीं हुए, क्योंकि अक्सर पेड़ होते हैं, मैं लेके आता हूँ यार, जो मैंने पहले नहीं था पता, वो उधर तो उड़ते थे, उधर जाकर जब देखता रहा, क्योंकि छोटे छोटे केज होते थे, वो सही उड़ते थे उधर, जब मैं कॉलोनी में ला कर छोड़ता था उड़ते ही नहीं थे। तो ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है, उसको क्या यार बड़े बड़े पिंजरे में रख दे, उसको अच्छे से ना उड़ा के दिखा, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये वेंट वाला हिस्सा ना, ये नीचे तो गीला ना हो, अगर ये गीला होगा समझो उसको मोशन लगे हैं, और जो मोशन की बीमारी है ना इनके अंदर भाई, वो बहुत ख़तरनाक है, वो जान ले लेते हैं जानवरों की, सीधी मैं आपको बात बता दूँ आज। तो आपने ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारा ये वाला व्लॉग आज अच्छा लगा होगा, ठीक है, मतलब व्लॉग। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है यार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक हो गया। अभी इसको मैं छोड़ूँ तो आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी दिखाते हैं भाई, क्या क्या, और दाना पानी भी करना अभी देखिए। चल यार चला गया, टूट गया। तो उम्मीद है कि यार आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यहाँ तो आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी दिखा देते हैं। चलो यार पहले दाना पानी कर लें। पानी लगाए, उम्मीद है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अरे दाना पानी कर दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट पानी और दाना वगैरह चेंज कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी यार। मैंने कहा यार आपको रोज़ प्रोग्रेस दिखाते हैं ना, चलो यार आज आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे दें कि बजरी साहब ने कैसे का परचेस करना है, ठीक हो गया। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस देख लेते हैं यार क्या क्या आ गया। माशाल्लाह 2x फर्स्ट मटकी यहाँ लिया, ये माशाल्लाह उसके नीचे 6x, ठीक है, यहाँ लिया इसका एक चिक्का, माशाल्लाह बहुत प्यारा। नेक्स्ट माशाल्लाह 6x, नेक्स्ट
इसके नीचे भी 6000 और इसके नीचे भी हाल ही ठीक हो गया भाई। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखा रहे, ज़्यादा नहीं यार। और ये देखें इसके चिक्स एकदम माशाल्लाह ने 3 चिक्स हैच किए हैं यार। गुड हो गया भाई। इसके नीचे 6-7 ओहो 6-7 कह रहे हैं, उन्होंने 4 थे, हाँ 4 ही। उम्मीद है यार इस दफा इसका रिजल्ट निकलेगा, इसका हॉर्न निकला हुआ। क्या लड़ाई हुई है यार इस मटकी में, देखो ना देखिए गाइस हॉर्न बड़ा हुआ इधर, शायद पुरानी हो गई या पता नहीं क्या इशू हुआ। चलो भाई ये फीमेल जैसा था वो जिसने कभी अंडे नहीं दिए। ये देखिए फीमेल बैठी है माशाल्लाह। ये रही क्रस्ट की, जिसका मैंने आपको आगे चिकनी पकड़ के दिखाया था, उसकी ये मदर ही है। तब इसने दूसरा क्लच कर दिया। चलो यार उम्मीद है कि आपको हमारा आज की जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी कि बजिस कैसे परचेज करने हैं। ठीक है तो अभी चलते हैं बाहर ही, आज बेचारे डिस्टर्ब हो गए। हम देखो ना आज इसे दाना भी नहीं खाने आ रहे, तो आज इनको डिस्टर्ब कर दिए, डर गए भाई आज हमारे साथ कर क्या रहा है भाई पकड़। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, आपके व्यूज़ बहुत आ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी भाई। आपसे रिक्वेस्ट है यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो भाई। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।